प्रेम तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन कभी फरहाद और मजनू को पढ़ लेना उपयोगी है। हमारा प्रेम जल्दी चुक जाता है, पता ही नहीं चलता कब चुक गया। ठीक से याद भी नहीं कर सकते कि कभी था। सब रूखा सूखा रह जाता है भीतर। नदी आने के पहले ही विदा हो जाती है और मरुस्थल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जिंदगी भर प्रेम किए ही चले गए हैं, और इनके प्रेम का कोई हिसाब लगाना मुश्किल है। अगर इन प्रेम करने वालों से आप थोड़े परिचित हुए तो अपने प्रेम को समझने में बड़ी सुविधा हो जाएगी, और हो सकता है कि आपके भीतर भी कोई धारा अंतर्गर्भ में बहती हो और उसका स्मरण आ जाए। ऐसा नहीं कि आप मजनू हो जाएंगे, उसका कोई उपाय नहीं है, होना भी नहीं है। और हुआ मजनू, क्या मजनू हो सकता है? बाल वगैरह लटका लेगा मजनू की तरह, कपड़े लत्ते पहन लेगा मजनू की तरह, सड़क पर गुजरने लगेगा, चिल्लाने लगेगा लैला लैला। नहीं, सब बेकार है, उसमें कोई मतलब नहीं होगा। उसके भीतर से तो कहीं कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन आपका भी अपना प्रेम है, जो मजनू और फरहाद के प्रेम से शायद सजग हो जाए, सुलग जाए, शायद बारूद आग पकड़ जाए और आपको भी पता चले कि मैं भी ऐसे ही चुप जाने वाला नहीं हूँ। मेरे भीतर भी कोई धारा है, उसी अर्थ में कह रहा हूँ। बहुत लोगों ने गीत लिखे हैं, लेकिन कालिदास या रविंद्र नाथ का गीत पढ़कर आपको पहली दफा कुछ दिखाई पड़ना शुरू होता है, जो आपको शायद कभी दिखाई नहीं पड़ा था। वह आपकी भी संभावना थी, लेकिन प्रसुप्त थी।